स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट प्रीपोजिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीपोजिशन के प्रयोग में अधिकांश स्टूडेंट्स जो है इरर कर देते हैं, त्रुटि कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो पहले देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है। पहले इसका प्रीपोजिशन हम देखते हैं, डिफिनेशन क्या है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word or words in the sentence। फिर से सुन लीजिए। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or pronoun to show its relation टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गुड इन मैथ। राम इज गुड इन मैथमेटिक्स और राम फेल इनटू द यहां पर देखिए, राम इज गुड इन मैथमेटिक्स, राम इज फेल इनटू द। यहां पर इन और इनटू दोनों का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है। राम मैथमेटिक्स में अच्छा है, राम कुएं में फेल यानी गिर गया। यहां पर दोनों में ही में का अर्थ है, लेकिन यहां पर जो इन का है, यहां इन में यहां भी हो गया, इनटू यहां पर भी, जो दोनों का शाब्दिक अर्थ में होता है हिंदी में। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे गुड इन मैथमेटिक्स, ये राम की जो है अथार्थता है कि वह मैथ में अच्छा है, और यह जो है आपका इनसाइड द मोशन को बोल रहा है। इनटू यहाँ पर जो है इनसाइड द मोशन को व्यक्त कर रहा है। इनसाइड द मोशन का मतलब ये होता है फेल इनटू द व्हील, ये आपका इनसाइड द मोशन है। इस प्रकार जो है आपका जो है ये इसी तरह जो है, अब ऐसे तो हम कहेंगे राम मैथमेटिक्स में अच्छा है, राम कुएं में गिर गया, दोनों जगह इन द वे यहाँ भी लगा देंगे, लेकिन यही डिफरेंस को हमें समझना है। तो हम उसके भाषा के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। अब जो है कुछ प्रीपोजिशंस के हम यूज देखेंगे। का कैसे है आपका इन इनटू अप डाउन बिफोर टू वर्ड्स इस प्रकार जो है इन हम जो है इस प्रीपोजिशन को मैं जो है इस प्रीपोजिशन का तीन वीडियो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री बनाऊंगा। थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे है राम इनटू द अप डाउन, अप डाउन अप मींस ऊपर। मैं पहले इन दोनों का एग्जांपल देखूंगा, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, ठीक है। हम इसके बाद जो है कुछ एग्जांपल्स इन दिए गए प्रीपोजिशन का हम चेक करें। यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन है इन इनटू अप डाउन बिफोर इन फ्रंट ऑफ टू टूअर्स। इन आपका सिंगल है, इन और टू को मिला दिया गया तो इनटू आपका डबल प्रीपोजिशन है। अप आपका सिंगल है, डाउन आपका सिंगल है, बिफोर इन फ्रंट ऑफ टू टूअर्स। यहाँ पर हम कुछ प्रीपोजिशन इस प्रीपोजिशन के भाग वन में देखते हैं। कुछ एग्जांपल, दे आर गोइंग टू द स्टेशन। यहाँ पर देखिए दे आर गोइंग टू द स्टेशन मीन्स वे लोग स्टेशन जा रहे हैं। यहाँ पर जो टू प्रीपोजिशन है ये डिस्टिनेशन को बोध करा रहा है।
किसको बना बोध करा रहा है? डिस्टिनेशन, डिस्टिनेशन मतलब होता है लक्ष्य, कि वे लोग स्टेशन जा रहे हैं, उन लोगों का उद्देश्य, उन लोगों का एम है कि वे लोग स्टेशन जा रहे हैं। इसलिए एक टू शब्द जो है आपका डिस्टिनेशन को बोध किया जाता है। ही गोज टू स्कूल, आप जानते हैं। अब वी आर गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, यहाँ पर देखिए टूवर्ड्स, टूवर्ड्स जो है इन द डायरेक्शन आपका बोध कर रहा है। किसका बोध कर रहा है? टूवर्ड्स जो है इन द डायरेक्शन, आप एक दिशा की ओर बोध कर रहा है। तो ध्यान से समझिए, स्टेशन डिस्टिनेशन का बोध कराता है। यहाँ पर एक नई चीज है, दे आर गोइंग टू द स्टेशन, यहाँ पर टू डिस्टिनेशन है, यहाँ पर टूवर्ड्स जो है क्या है, इन द डायरेक्शन आप एक दिशा की ओर संबोधन कर रहा है कि हम लोग स्टेशन के तरफ जा रहे हैं। तो टूवर्ड्स का मतलब होता है के तरफ, के तरफ। राम क्लाइम अप, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। अप यानी ऊपर का बोध कराएगा और डाउन आपका नीचे का बोध कराएगा। तो राम क्लाइम अप, क्लाइम माने चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया? अप ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर। राम एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब ही सा हिज फादर, जब उसने अपने पिता को देखा तो राम क्लाइम अप द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ गया। तो अप यानी ऊपर का बोध कराएगा। फिर जो है नेक्स्ट देखिए, आई आस्क हिम टू क्लाइम डाउन, डाउन मीन्स क्या होता है? डाउन मीन्स होता है नीचे, अप मीन्स ऊपर। जहाँ ऊपर का अगर बोध होगा तो वहां पर हम अप वर्ब के साथ लगाएंगे, और जहाँ नीचे का अगर होगा का तो जैसे ही स्लेप डाउन, ही स्लेप डाउन ऑन द अर्थ, ही स्लेप डाउन ऑन द स्लेगर। तो यहाँ पर जो है देखिए, तो डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे। क्या होता है? डाउन मीन्स नीचे। ऐसा अगर केस आएगा तो हम नीचे, ठीक। वी शुड स्टार्ट फॉर होम, एक चीज आप ध्यान दीजिए कि होम के साथ, होम के साथ हम कभी भी टू का प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। होम से पहले, होम तो मैंने बताया ना आपको, मैं बताया हूँ कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन आर ए प्रोनाउन, नाउन ए आर ए प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, और इसका संबंध जो है किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से होता है। यही प्रीपोजिशन है, प्री मींस बिफोर, अपोजिशन माने स्थान, ठीक। तो होम के पहले, होम के साथ हम कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते टू प्रीपोजिशन का, लेकिन एक कंडीशन में करते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा, आई वॉन्ट टू योर होम यस्टरडे। ध्यान से समझिए, जब जो है जिस वाक्य में आपका जो है क्या है, आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा, क्या होगा? एडजेक्टिव यानी फ्रेज अगर होगा, फ्रेज होगा, तो उसके साथ जो है हम टू का प्रयोग, उसके पहले प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझा, जब एडजेक्टिव फ्रेज अगर होगा तो उसके पहले हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, लेकिन सामान्य दशा में हम कभी भी जो है हम होम से पहले जो है टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके लिए फार यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? फार, ठीक है। ये सब जो है आपका जो है डायरेक्शन बोलना है। अब नेक्स्ट देखिए, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, बिफोर मीन्स होता है आपका जो है पहले, बिफोर क्या होता है? बिफोर का और क्या होता है? के सामने बोध होता है, बिफोर मीन्स होता है के सामने। जब एक सजीव वस्तु किसी दूसरे सजीव वस्तु के सामने होती है, जैसे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपके सामने, जब एक मानव दूसरे मानव के सामने, या कोई एक आदमी दूसरे आदमी के सामने, या एक बॉय दूसरे बॉय के सामने, जब कहाँ पर जब ऐसा अगर होता होता है, सजीव प्रतिचित्रण किया जाता है, तो वहाँ पर जो है के सामने के लिए क्या यूज किया जाता है? बिफोर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिए, बिफोर, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों का अर्थ होता है के सामने, के सामने दोनों का यूज होता है। इन बिफोर भी होता है के सामने, और इन फ्रंट ऑफ भी होता है, लेकिन बिफोर का प्रयोग सजीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसा कि मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हूँ, देयर इज ए वेल, देयर इज ए वेल इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, आपके घर के सामने, आपके घर के सामने या तुम्हारे घर के सामने एक कुआं है, ठीक है। तो यहाँ पर वेल आपका क्या है? जानते ही है, ये निर्जीव है, ठीक है। आपका घर भी ये निर्जीव है। जब ऐसा होगा के सामने का, जैसे देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने एक क्या है? बगीचा है, ठीक है। जब ऐसा अगर केस होता है
तो वहां पर जो है हम के सामने के इन फ्रंट आपका करते हैं, ठीक ना। और आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, ये आपका जो है यू और आई दोनों आपका यह लिविंग थिंग्स है, इसके लिए हम के सामने के लिए बिफोर का यूज करेंगे, ठीक। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है अब नेक्स्ट टॉपिक में जो है इसके जो है प्रीपोजिशन के पार्ट टू का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।